गाया फिल्म दुनिया वालों ने, सभी से निवेदन है गीत सुनिएगा। और वास्तव में कलाकार वैसे भी थका होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं और साथ ही हमारे भैया ने भी बताया कुछ परिस्थितियां भी चल रही हैं, लेकिन जो ऊर्जा शक्ति मिलती है कलाकार को वो आप लोगों से मिलती है। जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनता है जब कलाकार, तो अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है। शाबाश। तो केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या? कि चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से आना श्याम बिहारी विश्वकर्मा जी, आपके करकमलों से 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 11 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय बड़े भैया ने भेंट किए, नाम नहीं बता गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा गीत को। कि चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से आना, चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से जाना, चुपके से जाना, मार ही डाले चाहे जमाना, जाने जाना ये दिल दीवाना, ये तो दिल की ये बातें दुनिया ना जाने, तो हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने, शाबाश बिटिया शाबाश, हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने, कि दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने, तो दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने, तो हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने, हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने, हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने, हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने। गाया फिल्म दुनिया वालों ने। हेलो हेलो। कि आंखों में लाखों परदे हया के, हम भी ना माने सनम तुम भी ना माने। सम्मानीय बड़े भैया मुकेश भैया, ये तो फिल्मी टुकड़ा रहा, आइए गीत सुनिएगा। गीत में कुछ नहीं है, गीत में कुछ नहीं है, एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा है। सम्मानीय बड़े भैया, एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा है, शिकारी नीचे से वार खींचे हैं। क्या बात है। शिकारी नीचे से वार खींचे हैं, ऊपर से बाज अपनी चोंच को खींचे हैं। चोंच ताने हैं, इधर से शिकारी वार ताने हैं, पक्षी बीच में बैठा है। बहुत बढ़िया। पक्षी परेशान है, आखिर किस तरफ से बचा जाए। तो कहना पड़ा क्या कि बिहग बेदना में विवश है बिचार, we'll be right back।
ताने हैं। बड़े भैया ताने का अर्थ है घात लगाना, तो कहना पड़ा अब इधर से भी ताने और उधर से भी ताने। और पक्षी ने भगवान को याद किया, पक्षी ने भगवान को जैसे ही याद किया भगवान ने की कृपा से अचानक सर्प आया, शिकारी को काटा, उसका वाण लड़खड़ा गया, जाकर वो वाज में लग गया। वो जब वाज में लग गया तो कहना पड़ा कि चला एक तीर और बने दो निशाने, कि चला एक तीर और बने दो निशाने। तो इधर से भी ताने और उधर से भी ताने, इधर से भी ताने और उधर से भी ताने, इधर से भी ताने और से भी ताने। शमाने बड़े भैया, ताने यानी उसका अर्थ घात लगाना। ताने शब्द ले रही हूँ लेकिन उसके अर्थ बदलते जाएंगे। जय हो मुकेश भैया, क्योंकि आप अच्छे कीर्तनकार हैं और प्रयास करूंगी आपको कुछ अच्छा देने का। आइए, रास्ते में एक बंद मिला, रास्ते में रावण मंदोदरी को लेकर आ रहा है, वाली मिल गया, दोनों उस नारी पर मोहित हो गए, तो कहना पड़ा क्या कि दोनों चले पले अपना आज माने। और रावण भी नहीं छोड़ रहा है, देखिएगा उसमें दोनों में युद्ध होने लगा, तो कहना पड़ा क्या कि दोनों चले हैं पले अपना आज माने। तो अपने को कोई ना कम आज माने, तो दिया जन्म सुत को वही आज माने। उधर एक पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया जिसका नाम पड़ा अंगद। कि दिया जन्म सुत को वही आज माने, तो एक से हुई तो ये सारा जग जाने। और बड़ भैया कि एक से हुई तो ये सारा जग जाने, तो इधर से भी ताने और इधर से भी ताने, तो इधर प्रारंभ कर दिया, तो कहना इधर से भी ताने उधर से भी ताने। बड़े भैया, और दिशाएं लगी हैं दाएं बाएं, ऊपर नीचे और यहां दाएं बाएं। आइए एक बंद और सुनेगा, कन्हैया की गोपिकाएं परेशान है बंसी से, वृंदावन में बैठी है कन्हैया के इंतजार में, देखा चारों ओर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आपस में गोपिकाएं बात करने लगी। अरे सखी मैं सत्य कह रही हूँ, कन्हैया इस ओर से आ रहे हैं। अरे ना सखी, मुझे तो इस तरफ से सुनाई दे रही है। अब देखेगा वो अपनी अपनी बात पर कैसे अटके। कैसे? कि बंसी कहे कि बाजी कहे, बंसी बंसी धर की बाजी।
ध्वन साथ साथ सुनाई दे रही है तो उसको तान नहीं ताने कहेंगे। क्या बात है, क्योंकि बहु वचन लग गया तो कहना पड़ा इधर से भी ताने और उधर से भी ताने। इधर से भी ताने, आइए गोपिकाएं कन्हैया को लेकर आ गई माता यशोदा के पास। कहने लगी मैया तेरा लल्ला बड़ा ढीठ है। जब सारी गोपिकाओं को एकत्रित देखा तो माता यशोदा कहने लगी कन्हैया से कि बस इतनी सी बात मेरे मन में खटके करिए। बिल्कुल कि नखरे निराले नटवर नट खटके तू मोहन तू चोरी करे पे खटके तू चारों तरफ सुनने पड़ते उलाने। कन्हैया अब इधर से भी ताने और इधर से भी ताने मेरा है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहती हूं कि अगर कोई अपने आप में कहता है कि ये मेरा है तो स्वयं आकर मुझसे कहे कि ये मेरा है, क्योंकि मैं इस मंच के माध्यम से माता भगवती के सामने कह रही हूं कि जो भी मैं गीत गा रही हूं या गाती हूं तो अपने गुरुवर और मेरे भाई स्वर्गीय श्री मोहन सिंह का गाती हूं। और ये गीत हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री मोहन सिंह ने लिखा है और ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसमें गुरुवर की सहायता भी लगी है। जब कहीं समझ में नहीं आता था तो गुरुवर को फोन लगा लेते भैया मोहन जी। लेकिन कुछ कपटी दंभी लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं को वो दावा कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये हमने लिखा है, मोहन मेरा है। अरे आकर मेरे घर में देखें मोहन किसका है, बस अब मेरा है मोहन। जब मोहन को जरूरत थी तब किसी का नहीं था, तब यही भाई अशोक दाहिने हाथ बनकर साथ चले हैं और मेरे घर में वो सौभाग्य मिला है। मेरे भाई स्वर्गीय मोहन सिंह जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक गीत लिखा है तो कहना पड़ा। माता यशोदा पुनः फिर कह रही हैं इधर से भी ताने और उधर से भी ताने। और इतना ही नहीं बड़े भैया, जो सुंदर सी ध्वनि आज हम लोग गा रहे हैं YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो कहना है मेरी पंक्ति कह रही है कि सुंदर सी ताने गाई लता ने। सभी लोग जानते हैं लता मंगेशकर
मंगेशकर को। बहुत प्यारा गीत दिया आपने। अरे दिल की ये बातें तो दिल ही जाने। इसी खंडगीत के जवाब में आया है, एक पत्र के साथ। मुकेश मृदुल जी सादर नमस्कार। मैंने कई बार प्रोग्राम करवा लिए, मैं आपका फैन हूं। मैंने आपके पूर्व अजय विजय एवं राखी आजाद का को बुलवा के प्रोग्राम कराया था, अतः आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिख दे। धन्यवाद आदरणीय सुखनंदन प्रधान जी कराई। आदरणीय प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं आपको नंबर जरूर दे दूंगा, आपसे बार बार नमन करता हूँ आपको। सुनिएगा पहले इनके गीत का जवाब। चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से जाना, चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से आना। हम भी ना जाने सनम तुम भी ना जाने। गीत आपका बहुत प्यारा आया है। अरे इधर से भी ताने और उधर से भी ताने। एक ताने शब्द से आपने बंद किया है। अब देखिए मैं गीत को जाने शब्द से बंद कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं ना। कथानक के अनुसार देखिएगा। सत्युग से देखिए, एक बार राजा अम्बरीश अपने दोस्त एक नाग की पत्नी को दूसरे जात की नाग से मिलते हुए देख लेते हैं। जब वो देखते हैं कि मेरी मित्र की पत्नी दूसरे नाग से मिल रही है, बड़ा बुरा लगता है, अपना पीतांबर उठा के चले आते हैं कि मैंने तो देखा और कोई ना देखे। देखिए जब सोचते हैं इस बात को, रात्र में जब भोजन नहीं कर रहे हैं, राजा अम्बरीश की पत्नी कहती है कि स्वामी भोजन कीजिए, तो वो कहते हैं मैं कैसे खा लूं, ये नजारा मेरी आंखों ने देखा। सुनेगा कि मैंने जो देखा अपनी जिम्मेदारी। अगर मैंने देखा राजा, अरे मैंने जो देखा बनी जिम्मेदार। ईमान खोए क्या है ईमानदारी, ईमान खोए क्या है ईमानदारी, ईमान खोए क्या है ईमानदारी। समझ में ना आए कैसी ईमानदारी, समझ में ना आए कैसी समझदारी, कैसे चलेगी ये रिश्तेदारी। आखिर इन दोनों की ये रिश्ता जो किया है लोगों ने, ये पति पत्नी के रिश्ते में है, लेकिन ये पत्नी अपना फर्ज नहीं निभा रही है, आखिर कितने दिन ये रिश्तेदारी चलेगी। जब इस बात को, क्योंकि नाग को दूसरे भाव से उसकी पत्नी ने बता दिया था, वो डसने के लिए आया था राजा अम्बरीश को, और इस बात को
ये भी ना जाने और वो भी ना जाने, पर ये भी ना जाने और वो भी ना जाने, ये भी ना जाने और वो भी ना जाने। त्रेता में देखिएगा, आदरणीय नीलम जी, सेवा में सेवा में सेवा में जल लेने आए श्रवण कुमार जी, सेवा में सेवा में सेवा में सेवा में आए, तू जल में है जल में है जल में है तुम ही डुबाए, डुबो लिया मृग के धोखे से, मृग के धोखे से सर दशरथ चलाए, तो चला कर अरे चढ़ा कर धनुष पे वो ज्यों ही चलाए, ज्यों ही चलाया क्योंकि होता क्या है जावे के चला एक तीर बने चार तब निशाने, वाह बेटे वाह, तीर एक चला लेकिन निशाना चार लोग बन गए, अरे चला एक तीर बने चार तब निशाने, अरे ये भी अनजाने और वो भी अनजाने, ये भी अनजाने और वो भी अनजाने, ये भी अनजाने और वो भी अनजाने। चार निशाने कौन बने? कौन? राजा दशरथ का जब बाण चला तो पहला निशाना श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के मरने के बाद उनके माता पिता भी मर गए पुत्र के वियोग में, और माता पिता के श्राप के द्वारा राजा दशरथ स्वयं मर गए। तीर एक चला लेकिन उसके निशाने चार बने, सुनेगा नीलम, अरे चला एक तीर बने चार है निशाने, ये भी अनजाने और वो भी अनजाने, ये सोचे दिन कर आए, मुझे निशाना बनाना है और क्या, पारथ ये सोचे दिन कर न जाए, दुश्मन का कैसे दिल दहलाए, दुश्मन का कैसे दिल दहलाए, दुश्मन का कैसे दिल दहलाए, तभी श्री कृष्ण ने तभी श्री किशन ने सूरज छिपाए, क्योंकि वो जानते थे ये नहीं पहुंच पाएगा, और इसकी प्रतिज्ञा जो वो है वो हमको हमारे दिल में ठेस पहुंचाएगी, तो तभी श्री किशन ने सूरज छिपाया, तोड़ करके जयद्रथ वहां पर तब आए, ज्यों ही जयद्रथ आया अर्जुन ने बाण चढ़ाया और वहां से सूर निकले, तो देखिए होता क्या है, तीर बने दो तब निशाने, दो निशाने कैसे बने, जयद्रथ का सर कटा और वो कटा हुआ सर उनके पिता के गोद में गिरा, और उन्हें ये श्राप था कि जब तुम्हारे पुत्र का सर जिसकी गोद में गिर जाएगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, इसलिए पिता पुत्र एक ही बाण से मारे गए, वाह बेटे वाह, चला एक तीर बने हैं दो निशाने, ये भी ना जाने और वो भी ना जाने, बात सुनिए, इस कलयुग में सुनिए,
ये बात सत्य है कि लता जी की जैसी तान आज तक किसी की ना हुई है ना होगी। ना बने मानी सम्मानी परमादरणीय श्री जगत सिंह जी राजपूत चिल्ली, इनकी तरफ से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद इस जवाब पे आया है। बार बार हृदय से नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। लता जी जैसी ताने वास्तव में ना आज तक किसी की है और मुझे नहीं लगता कि दूसरी लता इस संसार में आ सकती है, क्योंकि वो माता सरस्वती का ही रूप है। मैं उनके चरणों तक को पान करता हूँ। लेकिन कुछ गाने वाले आज की युग में ऐसे मिले, कई गाने वालों मतलब न जाने, बेअकल। अब जब बताइए नाम जसो नामा तसो गुणा, भयंकर भयंकर, क्रोधी उत्पाती क्रोधी, ये कीर्तन की मर्यादा में नहीं आते, क्योंकि हमारे खुड़ी गुणवान लोग बताते हैं कि जसो नामा तसो गुणा। अरे मैं भी अपना नाम किसी भयंकर से जोड़ सकता था, लेकिन नहीं, कीर्तन का नाम ही है मृदुलता। ये ढोलक वाला हमारे कीर्तन के मर्मज्ञ और हमारे दिशा निर्देशक जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मानी सम्मानी प्रातः स्मरणीय पूजपाद श्री व्यास जी महाराज, इटेलिया बाजा जो हमारे ही मोहल्ले में हमारे बगल में जस्ट पड़ोसी है हमारे, और ये बेचारे इतने दूर से प्रोग्राम सुनने के लिए आए हैं, 101 रुपए का आशीर्वाद भी दिया है, बार बार चरणों की वंदना है। एक बार जोरदार तालियां आप हमारे व्यास जी के लिए, क्योंकि ये लोग कोई साधारण श्रोताओं में नहीं है। जो आदमी 50-60 किलोमीटर से आ सकता है, माता रानी की बड़ी प्रबल भक्ति उनके दिल में होगी, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा, देखिए नीलम जी कैसे कैसे गाने वाले हैं। कैसे बेटे बताओ, कई गाने वाले तो मतलब न जाने, अरे मतलब तो छोड़ो ते समलब न जाने, मतलब तो छोड़ो ते समलब न जाने, मतलब तो छोड़ो ते समलब न जाने, गाना न जाने बजाना न जाने, संगीत का साज सजाना न जाने, हम कुछ हैं और इतना जानते हैं कि वो सीधा गीत को लेके हो सकता है थाने में घुस जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब जिनको कक्का किक्की नहीं आती वो सीधे ज्ञानी बन के पहुंच जाते हैं। सुनिए सुनिए, राग सुर लय बिना, राग सुर समय बिना लगे साज वो सजाने, वो तो सब जाने पर हम कुछ ना जाने, वो लोग सब जानते हैं जो अपना नाम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, कीर्तन को थाना तक ले जा रहे हैं, उनकी जानकारी में है तो जा रहे हैं, वो तो सब जाने पर हम कुछ न जाने, वो तो सब जाने पर हम कुछ न जाने, पर हम कुछ न जाने, पर हम कुछ न जाने, आज शुद्ध शाकाहारी कीर्तन। ये कायदे की जवाबी है, इस तरह की जवाबी
हमारे बुंदेलखंड से ही संभव है। बिल्कुल, मैं गर्व करता हूँ अपने बुंदेलखंड पर कि हमारे बुंदेलखंड में जितने भी कलाकार हैं सभी सभ्य कलाकार हैं, सारे कलाकार आचार्यवान हैं, लेकिन वो कलाकार और होंगे जो कीर्तन को थाने तक पहुंचाते हैं। मुकेश जी, हमारे बुंदेलखंड में कभी ऐसा नहीं हो सकता, और जो थाने तक पहुंचाने वाले हैं उनका स्थान थाने पर ही रहेगा, वो थाने ठिकाने ही रह जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं। इस भावना का कीर्तन जहां होगा कि अपने प्रतियोगी को भी लोग जाकर सम्मानित करें, लेकिन सम्मान देखिएगा, एक कलाकार उनके यहाँ सम्मान करने जा रहा है, दूसरा कलाकार उसके पैर छू ले, ये कीर्तन की पराकाष्ठा है, सभ्यता की पराकाष्ठा है। दोनों कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आगे बढ़ें और विकास करें, अपने बुंदेलखंड का नाम करें। धन्यवाद। जय हो।